शरारती थे ना, थोड़े बदमाश थे, तो बस पंगे करते रहते थे उल्टे सीधे जो नहीं करने चाहिए। और पहुंचा सेट पे तो इन्होंने बोला ये क्या कर दिया था। Somebody wants to come on a ghodi, which is me. I will do that. चाह रहा हूँ, हो नहीं रहा है वर्कआउट। I want to play a cop. Hi, this is Zara Khan. Hi, this is Shahir Sheikh. मैं हूँ तनिष बागची। और आप हमें देख रहे हैं टेली मसाला पे। वेल, रिस्पॉन्स हैज बीन ग्रेट। लोगों को मेरा और शहीर का पेयर बहुत अच्छा लग रहा है ऑन स्क्रीन। दे लविंग द क्यूट केमिस्ट्री दैट वी हैव इज वेल, एंड द पीपल आर लाइकिंग द फैक्ट दैट इट्स अ वेडिंग सॉन्ग, एंड इतना ही प्यारा गाना भी तनिष ने बनाया है। सो ओवरऑल सो फार, आई मीन इट्स जस्ट रिलीज कुछ ही घंटे हुए, बट इट्स बीन अमेजिंग। अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक्चुअली काफ़ी दोस्तों ने भी मुझे मैसेज किया और बोला बहुत वीडियो भी बहुत फ्रेश लग रही है और सॉन्ग अच्छा है, कॉम्पोजिशन अच्छी है, तो लोगों को पसंद भी आ रहा है, गाना भी पसंद आ रहा है बहुत। यही कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला अभी तक। बेसिकली बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कभी कभी, बट कुछ गाने मैंने देखे जो गाने हिट हुए मैंने उसमें मैंने ज़्यादा सोच के नहीं लिखा हुआ या कंपोज नहीं किया, तो वैसे ही ये भी गाना है छट जाऊँगी जो ज़ारा का सिंगल था, हमने लॉकडाउन के बाद बनाया था ये, एंड काफ़ी समय से हम लोग सोच रहे थे कि गाना कब रिलीज़ करें, एंड थैंकफुली भूषण सर ने गाना रिलीज़ किया आज, एंड इसका बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। मतलब एक तो लोगों को बहुत रियलिस्टिक लग रहा है लिरिक्स, एंड इट्स अ डांसी ट्रैक ऑल्सो, और वीडियो भी बहुत अच्छा बना, तो अच्छा वाइब है ऑल टुगेदर। बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो इन्हें पता नहीं था कि मैं बाल कटा चुका था, इन्होंने इमेजिन किया था मैं वैसे ही लंबे बालों में आऊँगा। हाँ, और जब मैं पहुंचा सेट पे तो इन्होंने बोला ये क्या कर दिया था। वो इनके लिए शौक था, लेकिन सॉन्ग की बात की जाए तो ऐसा सॉन्ग मैंने अभी तक नहीं किया है, यू नो, ऐसा पेपी डांसिंग नंबर अभी तक किया नहीं था मैंने। ये पहली बार मैं ऐसा कोई सॉन्ग कर रहा हूँ, इसीलिए मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि कैसा लोगों को लगेगा, कैसा रिस्पॉन्स आएगा उनका। तो अभी तक तो टचवुड बहुत अच्छा आया है, और मैं यही चाहूँगा कि ये गाना बहुत बहुत बड़ा हिट हो ताकि हम तीनों लोग फिर से कोलैबोरेट कर सके, कोई अच्छा सा गाना दे सके आपको। हाँ, वैसे क्या सोच के बाल कटाए थे शहीर आपने? मुझे याद भी नहीं है कि क्या एग्जैक्टली कटाया था मैंने, बट इतना याद है मैं चेंज चाहता, बोर हो जाता है ना इंसान तो कुछ अलग चेंज चाहता है, वो चेंज हुआ हूं तब क्यों। मगर अगली बार हम वील ट्राई एंड मेक श्योर कि ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कोई ब्लंडर ना हो। नो नो, बट ही इज लुक फैब इन इट, ही इज परफॉर्मड सो वेल, ही इज लुकिंग सो क्यूट एंड इनोसेंट दैट आई कांट इमेजिन एनीबॉडी एल्स। और हर गाना अपनी किस्मत लेके आता है मुझे, वो उसके मतलब आप कुछ भी कर लो ना वो गाने की किस्मत वही होती है। या दैट्स ट्रू, तो मुझे लगता है इस गाने की किस्मत में था मेरी वो वाली लुक, वो वाली लुक। मुझे गाना बहुत पसंद आया। हाँ, जैसा मैंने बताया मैंने ऐसा कोई सॉन्ग किया नहीं था अभी तक, तो वो चीज मुझे एक्साइट कर रही थी, और इतना अच्छा लेबल है, लाइक द बिगेस्ट लेबल इन आवर कंट्री, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। तब तक मैं इनसे मिला नहीं था, वरना मेरे पास एक और रीजन होता है ये सॉन्ग करने का। वन थिंग विच इज़ ग्रेट अबाउट तनिष इज दैट मतलब उन्होंने टाइम एंड अगेन ऑलवेज अपने आप को प्रूव किया, एंड ही इज सो गुड एट वॉट ही डज, बट ही इज ऑलवेज ओपन टू एनी यू नो क्रिएटिव थाट, एंड वो सब तो चलता ही रहता है। दोज आर लिटिल स्लाइट जैमिंग सेशंस दैट वी हैव, बट इट्स ऑल हिम। एंड जब मैंने गाना पहली बार सुना था, इन्होंने गिटार पे ऐसे प्ले किया था जस्ट टू यू नो मेक मी हियर द ट्यून एंड द रफ लिरिक्स, इट वॉज ब्यूटिफुल। आई मीन यू नो नॉट एज ज़ारा द सिंगर, बट जस्ट एज यू नो अ गर्ल एट द एंड ऑफ द डे, इट रियली टच्ड मी, एंड आई थॉट इट वॉज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स दैट एवरी यू नो ब्राइड टू बी शुड हैव, एंड इट्स अ सॉन्ग विच मेक्स अ ब्राइड अ गर्ल इन लव फील दैट स्पेशल, so I really really love it. Of course the whole idea of the video and the concept of it is based on this, but jo bhi main dikhana cha rahi thi I wanted to show it in a on a very light you know note, not preachy or anything. So yes, it's about two people coming together where you know you don't have to be like very typical about it, you can celebrate love the way you want to. If somebody wants to have that traditional marriage and wants to do it the way it's supposed to be, and that's what they feel very strongly about, they should do that. And if somebody wants to come on a ghodi, which is me, I will do that. And the fact that my partner, which is played by Shahir in the song, he supports that, you know. So it's based on that ke no matter what it is, at the end of the day, you and your partner should have that understanding and that support for each other. That is what it's about. Actually,
मैं समझता हूँ कि जो भी मैं आज हूँ हूँ तो क्या ही हूँ, बट जो भी हूँ वो जस्ट बिकॉज लोगों ने प्यार दिया है, पसंद किया है, उन्हें कुछ मुझ में अच्छा लगा जो उन्होंने आज तक सपोर्ट किया है, उनकी सपोर्ट की वजह से ही हूँ। तो मुझे लगता है मैं अपना 100% देता रहूँ, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकूँ वो करूँ, बस मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल कि जो भी मतलब आई एम एसोसिएटेड विद एट द मोमेंट इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल, क्योंकि बहुत सारा काम करना है और बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। तो आई होप जो ये ऊपर वाले की और मॉम की ब्लेसिंग्स हैं वो चलती रहें, कम ना हो। बहुत सारे हैं यार, अभी जिया ही कहाँ है, अभी किया ही कहाँ है, अभी करेंगे होपफुली। अभी जो मैं रिसेंटली काफ़ी टाइम से वो चाह रहा हूँ, हो नहीं रहा है वर्कआउट, आई वॉन्ट टू प्ले अ कॉप लाइक अ गाय इन यूनिफॉर्म, सो होपफुली इट विल हैपन सून। हो सकती है, मेरी अभी वेडिंग बाकी है। मतलब आपके दोस्तों की कहीं गए हो आप कहीं पे भी? अरे यार हद हो गई यार, मुझे आउटकास्ट कर रहे हो तुम सब लोग। एक्चुअली आई विल बी ऑनेस्ट, मैं शादियों पे सिर्फ खाना खाने जाती हूँ। आई एम सीरियस, आई मीन ऑब्वियसली जो इनवाइट करता है उनकी खुशी में भी शामिल होने जाती हूँ, बट द वन थिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू वेरी ईगरली इज शादी का खाना, और मुझे अच्छा खाना चाहिए शादी पर। मुझे ज्यादा लोगों से ना डर लगता है, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं तुम, आई फील यस आई नो। अभी कमरे में 5 लोग इकट्ठे हुए थे और ये भाग गए थे, 5 लोग, तो शादी पे तो आप सोचिए कितने लोग इकट्ठे होते हैं। बचपन की हैं यादें, ऑफ कोर्स दोस्तों के साथ लोगों को परेशान किया करते थे, दिस इज माय फ्रेंड मुदस्सिर, उसकी शादी थी और तब मतलब हम शरारती थे ना, थोड़े बदमाश थे, तो बस पंगे करते रहते थे उल्टे सीधे जो नहीं करने चाहिए। अब आई वोंट वुड नॉट वांट टू से दैट ऑन कैमरा राइट नाउ। मैं क्या करता था। इसने तो बोल दिया ना खाने का, मेरा ये भाई बंगाली हूँ ना तो मुझे खाना अच्छा लगता है। yes. शादी मतलब खाना ही होगा। तो प्लीज एवरीबॉडी इनवाइट मी एंड तनिष बागची टू योर वेडिंग, सो वी कम एंड ईट फूड, वी फिनिश द किचन। बहुत मजा आया, अब प्लीज जाके हमारा सॉन्ग भी देखिए, आपको भी मजा आएगा।